हेलो एवरीवन, आपका मोस्ट वेलकम है यार यूनिफॉर्म स्टडी पर। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे यार, एकदम बढ़िया झकास। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल पर देख ही चुके हैं कि इसका सेकंड पार्ट आ गया है एनआरटीआई की बुक का, और आपको एक कंप्लीट एडिशन देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें दो ही पार्ट थे, पार्ट वन और पार्ट टू। इसके अलावा इसमें कोई पार्ट नहीं आने वाला है, तो मतलब इसका कंप्लीट एडिशन हो चुका है। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन एनआरटीआई के सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें आपको कैसे बाय करना है और इसको मतलब सेम ये कितने प्राइस में आपको मिल जाएगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि इसको कैसे ओपन करना है, और इसमें आपके लिए एक ऑफर भी लाया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियोस देख लेना, वो ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएंगी या उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर जाकर आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो, क्योंकि उनमें मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है एनआरटीआई की, तो अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लें। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर उसके बाद में मैं आपको पार्ट वन के बारे में स्पेशली एक वीडियो बना के बता चुका हूं कि कैसे आपको उस बुक को परचेज करना था। और अब ये पार्ट टू की आ गई है, और या कंप्लीट एडिशन मान लो कि आपको पूरी बुक कैसे मिलेगी या पार्ट टू कैसे मिलेगा उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपको बता दूं कि एनआरटीसी रिलेटेड यार काफ़ी सारी बुक्स हैं, उनका रिव्यू भी मैं आपको देने वाला हूं कि उन बुक के अंदर क्या है और इन बुक के अंदर क्या आपको मिलेगा। ठीक है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार के होंगे और आपको किस प्लेटफॉर्म पर यह बुक मिलेगी, और गिवअवे के अंदर आपका नाम आता है तो आपको क्या गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है यार। वीडियो को स्किप करोगे तो आप अपने फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। चाहे तो आप इसको 1.5x में कर देख सकते हो, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यार वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती है तो यार आपका देखने का मन भी नहीं करता है वीडियो को, इसलिए अपन जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। तो आपको बता दूं कि प्रैक्टिस बुक फॉर एनआरटीआई एट 2021 कंप्लीट एडिशन नाउ अवेलेबल हो चुका है। ठीक है, पार्ट वन था वो, उसमें आपको क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश आपको देखने को मिली थी। ठीक है, पार्ट वन के अंदर, और पार्ट टू के अंदर आपको रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे यार मेरे पास कि एनआरटीआई का जो एग्जाम है वो कब होगा, किस मंथ में उसके फॉर्म निकलेंगे। तो यार मैं आपको पहले ही बता दूं कि उसके फॉर्म जैसे ही निकलते हैं तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि उसके फॉर्म आ चुके हैं, आप फिलअप कर दो। आपको प्रोसेस भी बताई जाएगी कैसे उसको फिल करना है। ठीक है, कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको सब कुछ बताया जाएगा जैसे ही फॉर्म वगैरह आते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि यार कोरोना चल रहा है, तो कोरोना की वजह से पिछले साल जो एग्जाम हुआ था वो सितंबर में जाके हुआ था, तो इस साल थोड़ा अगर खत्म हो जाता है कोरोना तो आपका जल्दी होने की संभावना है। ठीक है, फिर भी आपको सब चीज बताई जाएगी। अब मैं आपको एक बात और बोलूं कि अगर आपको कोई डाउट आते हैं वीडियो में रिलेटेड, जैसे कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कोई डाउट आता है, तो आप मेरे पास मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो वहां पर आप मैसेज कर सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। इस बुक के अंदर आपको यार पूरा सिलेबस कवर किया गया है, पर आपको बता दूं कि यार इसमें जो सिलेबस डाला गया है वो क्वेश्चंस कुछ कम ही है। ठीक है, मतलब कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि यार हर सब्जेक्ट बहुत वास्ट होता है, जनरल अवेयरनेस का बहुत बड़ी, मतलब ज्योग्राफी बहुत बड़ी है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इस हिसाब से आपका पूरा सिलेबस इसमें नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि एक आपको टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, उसमें आप ज्वाइन होकर अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके अलावा आप uniformstudy@gmail.com पर आप मेरे को मेल कर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर दूसरी बात, अगर आपको बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपने बुक बाय करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है या आपकी बुक आपको मिल नहीं रही है, वेबसाइट पर जाकर आपको कोई डाउट है कि आपकी बुक कहाँ मिलेगी, तो उससे रिलेटेड अगर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो उसके लिए आप क्या करोगे, contact@mentak.in पर आप मेल करोगे, या फिर जो ये नीचे नंबर दे रखे हैं इन पर क्या करोगे, आप व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट पर विजिट करोगे तो वहां पर आपको व्हाट्सअप का सिंबल मिल जाएगा, आप वहां पर क्लिक करोगे आपके सीधा आपका मैसेज उनके पास चला जाएगा, आपको जो भी क्वेरी हो आप लिख देना, वो मेंटर की टीम आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेगी। ठीक है, हम आपको बता दूं कि जो ये प्लेटफॉर्म दिया गया है वो ओनली इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, एनआरटीआई एस्पिरेंट्स के लिए, और आपको यहाँ पर काफी सारी और टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेंगी, वो मैं आपके आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब डिजाइन बाय टेकिंग रिव्यूज फ्रॉम एक्सपर्ट्स, जो ये बुक है ना यार ये डिजाइन की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस ऑफ एनआरटीआई एस्पिरेंट्स, जो एनआरटीआई के जो एस्पिरेंट्स है उनके एक्सपीरियंसिस के अकॉर्डिंग ही इस बुक को एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है।
ठीक है, उसके बाद आपको जो इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो वेरियस रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्स के लाइक आरआरबी एसएससी कैट लेवल तक के आपको इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं समझ सकता हूँ यार कि जिसने कैट की प्रिपरेशन कर रहा होगा वो एनआरटीआई को शायद कुछ नहीं समझे, क्योंकि एनआरटीआई उससे थोड़ा लो ही आता है। बट फिर भी आप अगर एनआरटीआई की तैयारी कर रहे हो तो आप इनमें से क्वेश्चन भी कर लोगे, आप कैट वगैरह के एग्जाम में बैठते हो तो भी आप कर लोगे, कैट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो एनआरटीआई का भी आप आराम से एग्जाम दे दोगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये बात मेरे को लास्ट में बोलनी चाहिए थी, पर काफी एस्पिरेंट्स हैं जो यार लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, मेरी वीडियो को बीच में ही स्किप करके ही चले जाएंगे कि क्या बकवास बोल रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं। मतलब काफी बच्चे होते हैं यार मेरे पास, कमेंट वगैरह करते हैं कि मतलब इतने कि क्या मतलब टाइम वेस्ट कर दिया हमारा। तो मैं तो यार बोल दूं कि मेरा तो काम है यार बनाना, आप कुछ भी बोलोगे मेरा तो आप कमेंट करोगे तो क्या होगा, मैं तो उस कमेंट को देख लूंगा, रिप्लाई नहीं करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप बोल सकते हो क्योंकि आपके पास यार फुल पावर है, आप कमेंट में लिख सकते हो तो आप लिखो। ठीक है, पर यार ऐसे वैसे कमेंट मत किया करो क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं लास्ट में बताने वाला था पर मैं आपको बीच में बता देता हूं कि जो यार ये जो कॉम्बो है या जो एनआरटीए की जो बुक है, अगर इसको ये ऑफर चलाया गया है मेंटर के द्वारा ही कि हार मत, जब तक कि पेपर नहीं हो जाता, चाहे वो आपका पेपर 1 महीने में हो या 2 महीने में या 3 महीने में, जब भी हो तो उस हिसाब से कि जो आपके 2 लकी एस्पिरेंट्स होंगे इसमें, 2 लकी एस्पिरेंट्स, ठीक है, तो इसमें गिव अवे होगा हर महीने की लास्ट तारीख को, और उसमें 2 एस्पिरेंट्स होंगे उनको रिफंड मिल जाएगा इस बुक का, जिन्होंने पार्ट वन खरीदा था उस हिसाब से उनको पार्ट वन रिफंड मिल जाएगा, पार्ट टू खरीदा था पार्ट वन टू के रिफंड मिल जाएगा, और जो कॉम्बो खरीदा था उनको कॉम्बो का रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, वो गिव अवे होगा, वो भी यूट्यूब पर ही अनाउंस होगा उसका रिजल्ट, और वो भी मैं ही बताऊंगा कि किसने रिफंड जीता है, उसका मतलब वो लकी विनर कौन है। ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात होगी यार। अब देख लो, आप अगर आप एनआरटी के एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है कि कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा, आपके फ्री में यह बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, आगे बढ़ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मेंटर का एक अलग से प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हु प्रिपेयर सैंपल पेपर फॉर वेरियस एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर सैंपल पेपर मिलेंगे अलग अलग एग्जाम्स के। ठीक है, आप अपनी कोई भी एग्जाम, जैसे आईआईटी जैम हुआ, और उसके बाद क्या बोलते हैं निफ्ट वगैरह हुआ, सीयू सेट, तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको एग्जाम्स वगैरह मिलते हैं, सैंपल पेपर मिलते हैं, उनके आप यहाँ पर प्रिपरेशन आप अपनी बूस्ट कर सकते हो सैंपल पेपर्स के हिसाब से। इसमें आपको 50+ जो ये जो मेंटर है या इसने यार 50+ सिलेक्शन दिए हैं आउट ऑफ 150 में से निफ्ट के अंदर। ठीक है, इस साल और आईआईटी जैम के अंदर भी काफी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने आईआईटी जैम का एग्जाम भी क्लियर किया है। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो ये बुक है इसके अंदर 2 सैंपल पेपर भी आपको मेंटर के द्वारा एकदम फ्री मिलने वाले हैं। अब अपन आगे देख लेते हैं बुक के अंदर क्या क्या है। तो बुक के अंदर जो आपको इंग्लिश मिलेगी उस इंग्लिश के अंदर ये टॉपिक्स आपके आते हैं, क्वांट के अंदर ये आपके टॉपिक्स आते हैं। आप बुक ओपन करोगे, बुक के अंदर आपको पूरा सिलेबस दे रखा है एकदम बढ़िया डिटेल वाइज, आप उसको पढ़ना। ठीक है, उसके बाद ही आप अपनी तैयारी करना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न के द्वारा बनाई गई है, 100 क्वेश्चन है ईच चैप्टर के अंदर, 2800+ क्वेश्चंस है प्लस करंट अफेयर्स है, तो मतलब टोटल आपको 3000 से ज्यादा करंट क्वेश्चंस आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। 245 पेजेस की यह बुक है यार। ठीक है, और जिसमें आपको 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो मैं तो यही मानना है कि अगर 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली तो एनआरटीआई तो आपका आराम से क्लियर हो ही जाना है यार। ठीक है, इतना कुछ ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है एनआरटीआई का, बस ये है कि आपको टाइम लिमिट थोड़ा कम मिलता है जिस वजह से आपका पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो आपका समझ लो कि आपका पेपर क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसमें 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहले वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, इसमें आपको इजी टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आंसर की दी गई है वो आपको हर चैप्टर के एंड में दी गई है, और सैंपल पेपर भी आपको एंड में दिया गया है। ठीक है, और आपको मैंने बोला भी था कि आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि यार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस वगैरह का, जीके वगैरह थोड़ी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है जिसमें ज्योग्राफी पॉलिटी स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स सभी पार्ट्स आ जाते हैं, तो यार कुछ ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है तो वो ऐसे इस बुक में कवर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको रेगुलर क्वेश्चंस पोल्स वगैरह देते रहते हैं, तो आपको उनमें आंसर कर लेना और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहना है। ठीक है, अब व्हाई चूज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है यार कि आप इस बुक को क्यों चूज करेंगे। सबसे ज्यादा बच्चों के दिमाग में यही डाउट आता है कि यार काफी सारी बुक्स हैं, हम इसी बुक को क्यों परचेज करें। एनआरटीआई के ऊपर एनआरटीआई के स्टूडेंट्स ने बुक लिखी है, ठीक है, पिछले साल लिखी थी, इस साल भी लिखी है, तो हम इसी बुक को क्यों लिखें, क्योंकि ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। पर मैं आपको बता दूं यार, ये जो बुक बनाई गई है ये एनआरटीआई के एस्पिरेंट्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बनाई गई है, उन्होंने रिव्यू दिया है उसी हिसाब से इस बुक को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि आप उन बुक्स में क्यों नहीं खरीदे, इस बुक को क्यों खरीदे। ठीक है, ये आप काफी डाउट होता है और ये डाउट होगा सबके दिमाग में, ये बात चल रही होगी,
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यार, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अलग अलग एग्जाम्स के आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, हर चैप्टर के एंड में आंसर की आपको दी गई है। 3000+ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स मिलेंगे और आपकी सैंपल पेपर भी मिलेंगे, ठीक है। इसमें और आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए टेलीग्राम चैनल भी आपको मिलेगा, जो कि हमारी तरफ से चलाया जा रहा है, वो यूनिफॉर्म स्टडी की तरफ से, वो मेंटर की तरफ से नहीं है, क्योंकि एनआरटीआई एस्पिरेंट से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है यार। जब से एनआरटीआई के बारे में हमने सबसे ज़्यादा डिटेल वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं, तो यार हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनको ऐसा कुछ गाइडेंस वगैरह दें जिससे कि उनको हेल्प मिल सके। तो ये हमारी तरफ से है टेलीग्राम चैनल, तो ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर तो आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो, वो तो हमारी तरफ से ही है। अब इसमें क्या है कि आपको यार वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको डिजाइन बाई एक्सपर्ट्स दोज हु हैव क्लियर द एग्जाम्स, ठीक है। जो ये बुक बनाई गई है ना यार, एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने वेरियस एग्जाम्स क्लियर किए हैं और एनआरटीआई का एग्जाम्स भी क्लियर किया है, ठीक है। अदर बुक्स के अंदर सिर्फ आपको सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अदर बुक्स हैं, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, किंडल पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर आपको बुक मिल जाएगी, तो आप उन बुक को बाय कर लेना और एक बार इस बुक को भी बाय कर लेना। अगर आप लकी हुए तो आपको इसका पैसा रिफंड भी मिल जाएगा, और उसके बाद आप यहाँ पर रिव्यू जरूर करके जाना यार, आपको कौन सी बुक आपको बेस्ट लगी, ठीक है। और इसमें क्या बोलते हैं, प्रीवियसली यूज्ड बाय मैनी एस्पिरेंट्स, मैनी सक्सेसफुल स्टोरीज है यार, ठीक है। कभी आपके हमारे साथ मुलाकात हुई, अगर आप हमारे साथ बने रहे, अगर आप एनआरटी में सिलेक्शन हो गया, तो कभी यूट्यूब पर भी आपको मिलवाएंगे एनआरटी के एस्पिरेंट्स से, कि हमारा मतलब किन किन एस्पिरेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया था और आज वो एनआरटीआई के अंदर ही हैं, उनके रिव्यू वगैरह लिए गए हैं, तो उसी हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया मैंटार्क ने, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा गाइडेंस, मैनी फ्री प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, मैं पहले ही बात बोल चुका हूँ। एडिशनल सपोर्ट आपको मिलेगा और फ्री मटेरियल भी आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि आपको इस बुक को क्यों चूज करना है, ठीक है। तो आपको इस इन सभी बातों से आपको पता लग ही गया होगा कि इस बुक के अंदर क्या है और अदर बुक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता तो आप जाओ यार, एकदम फ्री हो, अपन तो नहीं बोल रहे कि आप इस बुक को बाय करो, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप उन पर जाकर इस देखो और उनको भी खरीद सकते हो। आपको अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितना आप ऊपर हो, ठीक है। तो आगे बढ़ लेते हैं। ये अपना यूनिफॉर्म स्टडी और अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं कि आपने 2800 सब्सक्राइबर अभी कंप्लीट हो चुके हैं यार, और आपको यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस वगैरह भी देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर मैंने वीडियो वगैरह बना रखी है, प्रैक्टिस बुक लॉन्च्ड, ठीक है। और तो और ये प्रैक्टिस सेशन भी है नंबर सिस्टम का, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशन वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। ये आपको यहाँ पर चलाए जाते हैं कि जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाए। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना, अगर कोई एनआरटीआई की प्रिपरेशन कर रहा है तो। आज पता नहीं यार, बड़ी मतलब मजा आ रहा है वीडियो बनाने में, अगर आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो मजा आ जाएगा यार, ठीक है। चैनल को आप, अपना तो चैनल ही है यार, अपने तो चैनल को ही सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको गाइडेंस चाहिए तो चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट अगर आता है एनआरटीआई से रिलेटेड, तो आप मेरे पास भेज देखो कर, कमेंट करो, मैसेज करो, आपका डाउट सॉल्व होगा। उसके बाद ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ये आप देख सकते हो, साइड में पोल्स वगैरह, ऐसे आपको पोल्स वगैरह मिलेंगे, आप यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर यूनिफॉर्म स्टडी क्विज इसको ज्वाइन कर लेना, और नहीं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको भी क्लिक करोगे, टेलीग्राम ओपन हो जाएगा और जिसको ज्वाइन कर लेना, और अपने यहाँ पर प्रिपरेशन बूस्ट करते रहना है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली फॉर यूजी एस्पिरेंट्स के लिए ये बुक बनाई गई है यार, ठीक है। आप काफ़ी पीजी स्टूडेंट्स के भी मेरे पास मैसेज आएंगे कि सर इसको भैया इसको बाय कर सकते हैं क्या, हम इससे हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, आप इसको बाय कर सकते हो और पीजी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। बस आपका उसमें एक चैप्टर या एक टॉपिक बोल सकते हैं, वो आपका अलग है, वो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, और बाकी आपका सेम टू सेम है, इसी बुक से आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। वाई पीजी एस्पिरेंट्स शुड कंसिडर इट, तो यार आप इसको पीजी एस्पिरेंट्स हैं जो इसको आराम से इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, सैम्पल पेपर देने के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको गुड लेवल के यहाँ पर देखने को मिलेंगे, उसके लिए आप इस पीजी स्टूडेंट्स इस बुक को ले सकते हैं। आपको ये बुक है ना ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी, जो कि www.mentor.in पर मिलेगी, ठीक है। नीचे लिंक मिलेगी, आपको उस पर चले जाना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप इसको बार बार पीछे करके देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लिंक मिलेगा, आप वहां पर जाकर सीधा वेबसाइट पर पहुंच जाओगे।
ठीक है, देखो मैंने बता भी रखा है कि हाउ टू एक्सेस बुक, तो www.mentalk.in रजिस्टर एंड मेक योर अकाउंट। आपको यहाँ पर अकाउंट बनाना है और रजिस्टर करना है, उसके बाद ही आप इस बुक को ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि फ्री वाला सौदा है, आप आए और सिर्फ ऐसे कर लिया और बुक को बाय कर लिया। नहीं यार, आपके लिए फुली सिक्योर बनाया गया है इस प्लेटफॉर्म को, तो आप यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर करना है आपको यहाँ पर, और आपको अपना अकाउंट बना लेना है। ठीक है, फिर जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ये पार्ट 1, पार्ट 2 और कॉम्बो मिलेगा आपको। पार्ट 1 की प्राइस 420, पार्ट 2 की प्राइस 420, और जो कॉम्बो है उसकी 749 प्राइस है यार। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अभी काफी एक्सपीरियंस को लग रहा होगा कि यार ये प्राइस तो बहुत हाई हो गई यार, हम तो नहीं खरीद रहे इस बुक को। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि अपना भी यार कुछ है कूपन कोड वगैरह, जिससे कि आप इस बुक को एक्सेस करोगे अच्छे से। देखो ये व्हाट्सएप का निशान भी आ रहा है यहाँ पर साइड में, तो आपको व्हाट्सएप पर चले जाना है यहाँ पर, जैसे कि आप सीधा अपने डाउट्स वगैरह मेंटॉक से ही सॉल्व कर लेना। मैं इस बुक से रिलेटेड मेरे पास डाउट मत भेजना यार, ठीक है। हाँ, और बाकी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह से रिलेटेड या एनआरटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे पास भेज सकते हो। जो वेबसाइट पर आपकी जो टेक्निकल इश्यू वगैरह आ रहे हैं वो अपन नहीं सॉल्व करेंगे, वो आप वेबसाइट व्हाट्सएप पर जाना है और वहां पर आपको डाउट वगैरह सोल्व कर देने हैं। ठीक है, वहां पर आपको मैसेज कर देना है, आपके डाउट सोल्व हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 420, 420, 749, इसको सबसे कम प्राइस में कैसे खरीदोगे वो हम आपको बताने वाला हूँ। जाना है कॉम्बो पर या कोई भी पार्ट पर, आपको क्लिक करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है, और वहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा प्रोमो कोड यूज करें यहाँ पर, तो अपना प्रोमो कोड लगा देना है वहां पर, UFS60। जैसे ही आप वहां पर UFS60 लगाओगे, आपका 60% ऑफ हो जाएगा, और जो आपकी 749 वाली जो कॉम्बो है वो आपको पड़ेगी 299 में, और जो आपकी 420 420 के जो पार्ट्स हैं वो आपको पड़ेंगे 169 में। जैसे ही आप UFS60 कूपन कोड यूज करोगे, आपकी बुक की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर रिडीम कर लेना, और उसके बाद चेकआउट पेज पर जाकर अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर कर आप पेमेंट कर कर इसको बुक को बाय कर सकते हो। अब काफी बच्चों को डाउट आएगा कि यहाँ पर मैं एक आपको एक बात और बोल देना चाहूंगा यार, कि अब काफी बच्चे मेरे पास मैसेज करेंगे, मुझे पता है करेंगे, जानने के मतलब उनको बताने के बावजूद भी उनके मैसेज आएंगे, तो मैं उनको पहले ही बता दूं कि देखो यहाँ पर एक आपको ऊपर लाइन दिख रही होगी, होम, कॉन्टेक्ट अस, ऑल टेस्ट सीरीज और माई स्टफ। ठीक है, तो जैसे ही आप इस बुक को बाय करोगे, बाय करने के बाद आपको माई स्टफ में जाना है। माई स्टफ में जाने के बाद आपको ये बुक मिलेगी। अगर ये बुक वहां पर ऐड नहीं होती है तो आप इसको मेंटार के जो टेक्निकल है व्हाट्सअप कर सकते हो इसको, अगर आपको वो बुक वहां पर नहीं मिलती है तो। वैसे वो आपकी बुक ऑटोमेटिकली वहां पर ऐड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि काफी यार टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकता है। देखो ये यहाँ पर आपको ऐसे मिलेगी, और अभी 70+ स्टूडेंट्स इस बुक को बाय कर चुके हैं, तो उनकी प्रिपरेशन तो चल रही है। अब आप देख लो इसमें 125 सीट सारी होती हैं, जिसमें से 70+ स्टूडेंट्स इस बुक को ले चुके हैं, जिसमें से अब आप कौन से नंबर पर हो ये देख लो अब आप, ठीक है। और 245 पेजेस की ये बुक है और प्रीमियम में आपको मिलेगी। अब आगे देख लेते हैं यार, जैसे कि ये आपकी जो PDF खुलेगी वो इस प्रकार खुलेगी बुक के अंदर। आपको जैसे ये यहाँ पर आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके उस प्लेटफॉर्म पर ये बुक ओपन होके आएगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, आपको यहाँ पर आपका यूजर नेम मिलेगा, और उसके बाद क्या बोलते हैं आप यहाँ पर देखो इस पे आप ये साइड में कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप कमेंट डाल सकते हो कि बुक का रिव्यू कैसा आ रहा है, आप स्टिकी नोट्स डाल सकते हो, आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, आपको कोई भी अगर सेंटेंस वगैरह हाईलाइट वगैरह करना हो, या आपको कोई क्वेश्चन हाईलाइट करना हो तो आप क्वेश्चन हाईलाइट कर सकते हो, टेक्स्ट भी डाल सकते हो, तो मतलब काफी सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे। किंडल पर आपको सिर्फ इतना नहीं मिलता है, किंडल मैंने यूज किया है क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ यार, ठीक है, मैं भी अपनी प्रिपरेशन करता हूँ, तो मेरे को भी पता है कि कहाँ पर किस प्लेटफॉर्म पर क्या मिलने वाला है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिलेगा। और मैंने ऐसा नहीं है कि NITI की इसी बुक को मैं ज़्यादा कुछ बता रहा हूँ कि ये बुक सबसे बेस्ट है, इस बुक को ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, नहीं यार, मैंने NITI की जितनी भी बुक्स हैं उनको सभी को मैंने देखा है, मैंने एक बार उसका रिव्यू मैंने उनको पढ़ा है एक बार कि कैसे क्वेश्चंस वगैरह हैं, तो मैंने देखा कि यार उनमें सिर्फ सैंपल पेपर वगैरह दिए गए हैं, कुछ ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं गया है, और वो बुक भी आपको 300 300 350 पन्नों की मिल जाएगी। तो ऐसा क्या है यार, सिर्फ सैंपल पेपर, अगर एक पेज में आप 5 क्वेश्चन दोगे तो बुक तो आराम से पहुंच जाएगी ना 450 पन्नों की, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है यार, क्वेश्चंस अच्छे होने चाहिए। जी बुक आपकी 100 पेजेस की हो वो भी चलेगा यार, क्वेश्चंस अगर आपके अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो रही है, तो आपकी 100 पन्नों की बुक भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बनाना चाहो तो चाहिए 800 पन्नों की बुक बना दो, 1000 पन्नों की बना दो, क्या फायदा उसका। तो इस हिसाब से बता रहा हूँ कि काफी जो NITI की मैं देखा था अभी, NITI के स्टूडेंट्स वगैरह ने बनाई थी वो बुक, तो मैंने उनके ऊपर भी देखा कि हाँ यार ऐसा कुछ मतलब उन्होंने सिर्फ सैंपल पेपर कंसिडर किया है, मतलब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं दिए गए। सैंपल पेपर तो यार इस बुक में भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, सैंपल पेपर तो आप ऑटोमेटिकली भी जाके दे सकते हो,
तो इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करो यार, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इस बुक का ही फुल प्रमोशन कर रहा हूँ, लो भाई ले जाओ इस बुक को फ्री में ले जाओ, सस्ते में पढ़ रही है, 60% ऑफ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यार। अपना तो यार ये है कि अब मेरे को काफी स्टूडेंट्स को मेरी लैंग्वेज से भी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्या बोल रहे हैं यार ये, मतलब ऐसे कभी शुद्ध हिंदी में आ जा रहा है, कभी अपनी हरियाणवी लैंग्वेज यूज कर ले रहा है। तो यार देखो ऐसी बात है, लैंग्वेज से आपको क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क नहीं पड़ता, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर स्क्रीन पे आपको पीपीटी तो सब समझ में आ रही है ना, इसलिए अपन पीपीटी यूज कर रहे हैं यार। पीपीटी से आपको सब पता लग जाता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। मेरी लैंग्वेज काफी को नॉर्थ वालों को तो साउथ समझ में आ जाती है, पर अगर कोई साउथ से या वेस्ट से बिलोंग कर रहा होगा या ईस्ट से बिलोंग कर रहा होगा तो उसको समझ में काफी कमी आएगी। तो यार वो मेरे पास मैसेज करे, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता है तो उनकी हेल्प कर दूंगा, क्योंकि यार लैंग्वेज है मेरी, अब जो जैसा बोला जाएगा वैसा ही मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस के अंदर ऐसा कुछ बोला नहीं है, फिर भी मेरे पास ऐसे कमेंट्स कर देते हैं यार, कुछ हो जाता है यार। अपना तो लोकल लैंग्वेज है तो चलती है, मैं कोई शहर से बिलोंग नहीं करता, मैं गाँव से ही हूँ, तो गाँव वालों की आपको भी पता है कि ऐसी लैंग्वेज होती है। तो यार आज की वीडियो में तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप इस बुक को बाय करो या नहीं करो, आपकी मर्जी है यार, ठीक है। आप NRTA के एस्पिरेंट्स हो, आपको किस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करनी है वो आप अपने हिसाब से देखो यार, ठीक है। अपना तो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म स्टडी का कोलोब्रेशन हुआ था मेंटार के साथ, जब निफ्ट के एग्जाम्स वगैरह आए थे, निफ्ट के जब टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी तब हुआ था। तो ऐसा नहीं है, तो जो ये बुक बनाई गई है मेंटार ने काफी सोच समझकर, उनके एक्सपर्ट्स ने काफी सोच समझकर बनाई गई है, तो अगर आप NRTA के हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी है बुक। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो प्लेटफॉर्म पर काफी सारी बुक्स है यार, अमेजन पर जाओ आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी, आप वहां पर खरीदो, उनको पढ़ो, उनको पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आ जाना कि हमने उन बुक्स को पढ़ लिया है, अब इस बुक को भी पढ़ेंगे। आप पढ़ लेना, आप हमारे को बता देना कि क्या, आप कमेंट वगैरह करना बेझिझक होकर, यूनिफॉर्म स्टडी प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है यार। आप उस पर कुछ गलत कमेंट लिखोगे तो भी आपके लिए खुला है, और आप अच्छे कमेंट लिखोगे तो भी आपके लिए खुला है, बट ये देख लेना उसमें आपकी क्या मतलब बुराई किसकी होने वाली है, मतलब फील किसको होगा, ठीक है। मैं तो यार 1 मिनट लगेगी, आप कमेंट लिखोगे मैं तो डिलीट कर दूंगा, किसको शो होगा, आप कितने कमेंट करोगे मैं उतने ही डिलीट कर दूंगा, हमारी तो टीम बैठी हुई है, ऐसे गलत कमेंट थोड़े डिमोटिवेट थोड़े होने देगी सबको, नहीं होने देगी यार। तो ऐसा आप सोच थोड़ा सोच समझ कर लिखना, अपना ये नहीं है कि आप इस बुक को खरीद लो यार, मत खरीदो, कोई जरूरी नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन तैयारी करनी है, आपको NRTA में जाना है तो आप लोगे, नहीं जाना तो आप क्यों लोगे यार बेफालतू में, सही बात है ना। तो इसलिए आप अपने ध्यान रखना, आपको मैंने सारी चीज़ बता दिया है, कोई समझ में नहीं आ रहा आपके कोई भी पॉइंट तो आप मेरे पास मैसेज कर लेना, और ये मैंने बता ही दिया था व्हाई चूजर्स, सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है अपने लिए। तो और मैं आपको बता दूं कि आप इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना यार, कि आपको ये 2 लकी विनर्स को आपको यहाँ पर मिलने वाली है बुक एकदम फ्री में, तो अगर कोई भी हो सकता है यार वो तो थोड़ा मेरी लैंग्वेज से थोड़ा यार कर लेना, समझ लेना मेरी थोड़ी लैंग्वेज को, मतलब ऐसे कुछ गलत वलत तो मैंने बोला नहीं है, शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, ठीक है। पैटर्न वगैरह मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई मुझे भी पता है यार, पर क्या करूँ, जिसको NRTA में जाना है वो वीडियो को देखेगा, मेन पॉइंट तो ये आता है यार, जिसको NRTA में जाना है वो सब कुछ करेगा, वो वीडियो भी देखेगा, वो बुक भी खरीदेगा, वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करेगा, कमेंट्स भी डालेगा अच्छे अच्छे वो प्लेटफॉर्म पर जाकर, मतलब सबको बताएगा भी, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेगा कि हाँ कि हमने यूनिफॉर्म स्टडी टीम से। और आपको एक बात बता दूं यार, NRTA के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने वाले यूनिफॉर्म स्टडी टीम थी, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद आपको दी होगी NRTA के बारे में, पिछली बार जितने भी स्टूडेंट्स गए थे उनसे थोड़ा पूछ लेना, अगर आप NRTA में जाते हो तो अपने सीनियर से पूछना कि आप किस प्लेटफॉर्म से आए थे यहाँ पर, तो आपको पता चलेगा यार वहाँ पर, ठीक है, कि हमने किस प्लेटफॉर्म से वीडियो देखी थी और कैसे हम आए थे, तो सब उनसे जाकर पूछोगे तो आपको पता लग जाएगा, तो उनसे पूछना एक बार जाके, आपको बताएंगे वो सब कुछ। अब जिसको NRTA में जाना है वो सब कुछ करेगा, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, अपने से हेल्प भी मांगेगा, अपन उसकी हेल्प भी करेंगे यार पूरी एकदम A to Z करेंगे, उसको जो भी डाउट होगा आज से लेकर और NRTA के में जाने तक का सफर हमारे से ही तय होके जाएगा, अगर कोई हमारे से एकदम अच्छे से बात करेगा, हमारे साथ अच्छे से रहेगा यार, ठीक है, वीडियोज को कंटिन्यूसली देखेगा, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करेगा, तो NRTA में श्योरली जाएगा यार, श्योरली, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, बुक को पढ़ना है, ऐसे बाय करना है, सब कुछ आपको जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से वो NRTA में पक्का जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता यार। अगर किसी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ना, NRTI ड्रीम है जाना, तो आप उसमें जाओगे कंफर्म, एक बार बस फॉलो कर लो मेरे को। तो आज की वीडियो में इतना यार, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है मुझे लगता है,
और एक वीडियो और आ जाएगी आपको इसके बाद में कि आपको कैसे, एक बार वीडियो और दे दूंगा मैं कि कैसे आपको इसको लॉन्च करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।